हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 20 अक्टूबर को ये किस तरीके से अपने प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है और इसके कल के मोमेंटम कैसे होने वाले हैं। अभी अगर आज की बात करेंगे तो जैसा हमने कल डिस्कस किया था, कल हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है, चूंकि यहाँ पे कल के दिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो चुकी है, तो आज के दिन बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है मोमेंटम के लिए, 2300 के आसपास है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यू हो सकता है इन लेवल्स को टच करके ऊपर की ओर जाए और कहीं पे बीच में क्लोजिंग दे दे। तो हमें क्लोजिंग 2300 के आसपास आज के दिन मिल गई है, ठीक है। अब कल क्या हो सकता है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा इसने टाइम लगाया, ठीक है, और अभी नीचे 2 दिन में इन लेवल्स के आसपास आ गया है। अब ये वाला जो लेवल है 2300 के पास, यहाँ पे क्या हुआ है, जब शेयर ऊपर से आया है तो इस लेवल के आसपास क्या किया है इसने, सपोर्ट लिया है, ठीक है, 2 पिन यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब थर्ड टाइम इसके पास आया है तो ये एक सपोर्ट की तरफ फिर से काम कर रहा है, ठीक है, करना भी चाहिए टेक्निकली, इसीलिए यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अभी हमारे पास एक कैंडल बन गया है इस तरीके का, छोटा कैंडल लास्ट टाइम जैसा बना था। अगर यहाँ पे इसका हाई ब्रेक होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे इसका हाई ब्रेक होता है तो फिर से ये इसी चैनल में एक बार कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास 2340 के आसपास जाए और उसके बाद इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो एक कम प्रोबेबिलिटी वाला केस है, ऊपर चाहिए जा सकता है, पहला केस हो गया। सेकंड केस में क्या हो सकता है, सेकंड केस में मान लेते हैं कल के दिन मार्केट यहीं पे कहीं पे फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है, ये ऊपर गया और ऊपर जाके क्या हुआ, इसको फिर से इन्हीं लेवल से रेजिस्टेंस मिला एंड उसके बाद ये 2300 के लेवल को ब्रेक करता है। जैसे ही 2390 के लेवल्स को ब्रेक करेगा, मतलब लास्ट टाइम के जो भी स्विंग्स है उनके लो ब्रेक करेगा, तो ये तेजी से नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, और तेजी से 2290 सॉरी ओके 2290 का लेवल ब्रेक करेगा, तेजी से नीचे जाएगा और ये 2200 का जो लास्ट टाइम का इस चैनल का ये जो बड़ा वाला चैनल चला आ रहा है इसका जो सपोर्ट है उसको टच करने की कोशिश करेगा। देखिए ये एक बड़े चैनल का पार्ट है, 2200 के आसपास हम लोग को ये लास्ट स्विंग दिख रहे होंगे, 2200 ये लेवल हो गया और यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल है वो लेवल के आसपास अब ये ट्रेड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन रखी है, एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग अपने लेवल्स देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे बिल्कुल इस तरह का सिनारियो बन रहा है, एग्जैक्टली वही सिनारियो नहीं है लेकिन उसी तरह का सिनारियो बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रेकआउट लेवल के आसपास आके वेट कर रहा था और फिर से एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास आके ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे लगभग लगभग 3 वीक से यहाँ पे एक बॉक्स बना के ये रखा है। अगर बॉक्स का नीचे ब्रेकडाउन होता है तो नीचे अभी कहीं पे आपको वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा होगा, जो सपोर्ट होगा एक ग्राउंड लेवल 2250 के आसपास हो सकता है, क्योंकि एक ग्राउंड लेवल है और सेकेंडली जो लेवल है वो 2200 के आसपास ही नज़र आ रहा है। तो अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो एक तरीके का इस रेंज का ब्रेकडाउन होगा, इस रेंज का ब्रेकडाउन होगा तो शेयर नीचे आएगा और नीचे आएगा तो 2200 का लेवल हम लोगों को दिख रहा है और कोई लेवल मुझे नज़र आ नहीं रहा है। सेकेंड केस में अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। देखिए अभी नेगेटिव बना है इसलिए नेगेटिव बातें कर रहे हैं, हो सकता है कल के दिन यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाए, मार्केट यहाँ पे कहीं बीच में आके क्लोजिंग दे दे, तो यही कैंडल हम लोग को इस तरीके का कुछ देखने को मिलेगा। उस केस में पूरी की पूरी एनालिसिस चेंज हो जाएगी, क्योंकि मार्केट ने कुछ अलग यहाँ पे बिहेव किया है, क्लोजिंग कुछ और दिया है लेकिन गैप अप ओपनिंग के कारण पूरा का पूरा प्राइस एक्शन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, इस तरह का हम लोग इसको देखेंगे, ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन रहा है, राइट, वीकली टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन रहा है। अगर ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न ऊपर की ओर कंफर्मेशन देता है, मतलब हम लोगों को पता चल गया मार्केट बुलिश है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर की पूरी ट्रेडिंग पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पे इस तरीके से ब्रेकडाउन करके नीचे जाता है तो ये प्राइस एक्शन कन्फर्म कर रहा है कि अभी भी ये वीकली टाइम फ्रेम पे लो एंड लो हायर लो का यहाँ पे फॉर्मेशन कंटिन्यू कर रहा है और इन लेवल्स के आसपास फिर से अगर डब्ल्यू टाइप पैटर्न मिलता है तो हम लोग कुछ यहाँ पे इसके बारे में सोचेंगे। सीधे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोगों को कुछ लेवल्स यहाँ पे नज़र कुछ लेवल्स हम लोग को यहाँ पे नज़र में डालने पड़ेंगे, जैसे कि इन कैंडल्स के लो। अब क्या है, पूरा का पूरा यहाँ पे ये हम लोग बोल सकते हैं 2300 से लेके, ठीक है, 2300 से लेके ये 10 रुपये या 5 रुपये का जो यहाँ पे पूरा का पूरा ये रेंज है, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम भी एक सपोर्ट की तरह काम किया था और ये फिर से इन्हीं लेवल्स के आसपास आ रहा है, तो इन्हीं ये लेवल एक बार सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर मान लेते हैं इन लेवल्स को एक कैंडल ने ऐसे ब्रेक किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बना वो उसने इसी कैंडल के हाई को ब्रेक कर किया, तो ये मान लीजिएगा ये जो भी सेलिंग हुई थी, ये जो जिन लोगों ने भी पहले से बाई करके रखा है, अगर उनका एसएल है तो उसका एसएल लेने आ रहा है, ठीक है, उसके बाद जस्ट
नेक्स्ट, या उसके नेक्स्ट कैंडल ने अगर उसका हाई ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे बायर्स यहाँ पे डोमिनेट करने वाले हैं और ये फिर से ऊपर की ओर निकल सकता है, ऐसा यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटी का केस हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे ओपनिंग हुई 2300 के आसपास गया, फिर से ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद फिर से आके इस लेवल को इस तरीके से टच करता है 2295-96, उसके बाद ये इस तरीके से कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2200 टारगेट के पास जाने की पूरी तैयारी में आया है, ये हम लोग को कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग ओपनिंग की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे जैसे आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो हमने लोगों को पहले से पता था बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुका है, स्पेस है नहीं, तो कहीं बीच में क्लोजिंग दे देगा, ठीक है। लेकिन अभी आज का क्या सिनारियो है, आज का यहाँ पे वोलाटाइल था, काफ़ी वोलाटाइल था। कल के दिन देखेंगे वन वे इसने ट्रेवल किया था, आज के दिन काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल था। तो जब ये काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल है यहाँ पे, ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है मान लेते हैं कि इसकी ओपनिंग इन लेवल्स के आसपास हो जाती है, 2200-2300-2050 के आसपास हो जाती है। तो ये लेवल्स एक सपोर्ट का काम करना चाहिए दोस्तों, अगर ये सपोर्ट का काम नहीं करते और ब्रेक होता है तो तेजी से ये शेयर नीचे की ओर गिरेगा, ठीक है। लेकिन ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए और इसके बीच में ही फिर से हम लोग को कहीं ना कहीं क्लोजिंग मिल जानी चाहिए। फ्लैट ओपनिंग होता है तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे इन लेवल्स को टच करके अगर स्टॉप लॉस लेके ऊपर की ओर निकलता है तो एक अच्छा कैंडल बना देगा, अदरवाइज ये सीधे नीचे की ओर चला जाएगा। और बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होती है तो हमने ऑलरेडी उसको वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लिया, फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए, किसी भी शेयर से दूर रहना चाहिए। अगर मान लेते हैं एक बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल ऑलरेडी मार्केट में बन चुका है, ठीक है, और एक छोटा कैंडल बना है और उसके बाद जाके सीधे किसी सपोर्ट के आसपास ओपनिंग होती है बहुत ज़्यादा गैप डाउन में, उस केस में क्या होता है, बहुत लोग बाई करते हैं और ये शेयर ऊपर की ओर एक स्पाइक मारता है, ठीक है। तो ये पॉइंट को नोट करके रखेंगे, आगे आने वाले फ्यूचर में आपके काम आ सकता है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।